काफी ज्यादा खूबसूरत सा दिन है यार अपने लॉस सैंटोस के अंदर, और मैं कर रहा हूँ भाई स्विमिंग। देख सकते हो तुम लोग अपना जो स्विमिंग पूल है मैंने आज ही साफ किया है। होली आ रही है भाई इसलिए साफ कर दिया है मैंने स्विमिंग पूल। और साफ करने के बाद ये जो स्विमिंग पूल का नीला नीला पानी है ये और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाता है। अरे सुनो फ्रैंकलिन, घर पे ही हो क्या? कौन है भाई ये आवाज? कुछ जानी पहचानी से लग रही है। हेलो भाई कौन है? अरे फ्रैंकलिन जरा बाहर तो आओ यार। अच्छा आता हूँ भाई। ये आवाज लेस्टर की तो नहीं है, माइकल की भी नहीं है, ट्रेवर। अच्छा लेमार। अरे भाई लेमार, बड़े दिनों बाद, कैसे हाल चाल? हाल चाल बस ठीक ही हो जाते अगर थोड़े पैसे मिल जाते। पैसे क्यों, क्या हो गया? तेरे पास पैसों की कमी पड़ गई? हाँ यार, काफी ज्यादा दिनों से मैंने कोई गाड़ी वाड़ी चुराई नहीं है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है यार कोई गाड़ी चुराने का। थोड़े पैसों की हेल्प हो सकती है? ओह तेरा मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं गाइस सीन क्या हुआ है, लास्ट टाइम इस लेमान ने जो गाड़ी चुराई थी उसकी वजह से भाई पुलिस वालों ने पकड़ लिया इसे और बहुत बुरी तरीके से कूट डाला था यार, इसलिए अभी थोड़ा डर रहा है गाड़ी वाड़ी चुराने में। अरे यार तुम्हें सब कुछ पता है? बिल्कुल भाई सब कुछ पता है मुझे, पर डर क्यों रहा है यार? फिर बिंदास जा, दोबारा पकड़ ले पुलिस वाले तो फिर पिट के आई हो। क्या बोल रहे हो यार, थोड़े पैसे मांग रहा हूँ, नहीं देने तो मना कर दो। ठीक है भाई नहीं दे रहे तू निकल यहाँ से। ठीक है, अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकते? अबे दे रहा हूँ भाई, तू भी क्या इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है, मैं अपने दोस्तों को मना नहीं करता, समझ रहा है तू? लेमार मैं अभी लाया पैसे, लेकर आओ जल्दी। वैसे जरूरत क्या है तुझे पैसों की? अरे यार वो होली आ रही है, थोड़े नए वाली बाइक खरीदूंगा। बाइक का तेरा भाई अलग ही शौक है, ऊपर कहाँ पैसे लेने जा रहे हो, पैसे के छत पे सुखाते हो तुम? नहीं मतलब इधर से एक रास्ता है, वहाँ पर एक सीक्रेट तिजोरी है, वहाँ से पैसे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी आओ, तू यही रही हो, कहीं जाइयो मत। हाँ हाँ जल्दी आओ। लेट्स गो गाइस, पैसे ड्रॉ करता हूँ मैं। अब आज साहब को यार पैसे ड्रॉ कर रहा है तू? मैं वो लेमार आया भाई, पैसे मांग रहा है, मैं सोच रहा हूँ ड्रॉ करके ही दे देता हूँ तो उसे ऊपर ही बुला ले। ओ भाई अगर उसे हमारे मैजिकल पेंटिंग पैड के बारे में पता चल गया ना, रात रात में गायब कर लेगा ये। हाँ भाई बात तो सही कह रहा है तू, इसीलिए भाई पैसे ड्रॉ करके ही दे आता हूँ उसे मैं। चलो गाइस फटाफट से अब इस लेमार के बच्चे के लिए पैसे ड्रॉ कर देते हैं। अबे पैसे कैसे ड्रॉ कर रहा है ये तू? मैं पैसों के बंडल ड्रॉ कर रहा हूँ भाई मैं। कितने वैसे तू देने वाला है बे? मैं सोच रहा हूँ कितने दे दूँ भाई चौप? अबे जितने मर्जी उतने दे दे भाई, हमारे पास तो मैजिकल पेंटिंग पैड है ही। अबे लेकिन उसे शक हो जाएगा ना फिर, इतने पैसे मैं ला कहाँ से रहा हूँ? हाँ ये भी बात सही है, कितने देने चाहिए? अबे ज्यादा नहीं, 1-2 लाख दे दे भाई, 1-2 लाख भी बहुत होते हैं भाई। अबे दे दे भाई। ठीक है चलो गाइस लेमार को 1-2 लाख मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एड्स को ये बंडल अपने ड्रॉ हो चुके हैं और पैसों का कलर थोड़ा ऐसा ही होता है अजीबोगरीब। वेट एक सेकंड, हाँ ये और ज्यादा रियलिस्टिक पैसे लग रहे हैं, थोड़े ऐसे बीच में। भाई ये कौन से जमाने के पैसे है भाई? ये इसी जमाने के पैसे हैं, तू चुप हो जा। ओके गाइस लेट्स गो, यार मैंने यहाँ पर पैसे ड्रॉ कर दिए हैं, भी फटाफट से लेकर आता हूँ मैं रियल लाइफ में और फिर देकर आ जाऊंगा लेमार को। लेट्स डू दिस। तो ये आ गए मेरे पैसों के डिब्बे, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड। अब ये उठाकर लेमार को दे देते हैं। ले ले भाई लेमार, कहने में तेरा काम हो जाएगा। अरे यार ये तो बहुत सारे हैं। ले जा बिंदास ले जा भाई, मजे कर। थैंक यू यार थैंक यू, तुम ही मेरे सच्चे वाले दोस्तों, पक्के वाले दोस्तों। अरे बस क्या यार तू भी कैसी बात कर रहा है, छोटी सी तो मदद है। नहीं यार बड़ी मदद है ये, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तू तो अपना दोस्त है। सॉरी ये थोड़ा अजीब तरीके से गले मिल गया मैं। लेमार तो गया गाइस, कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से गले मिल लिया इसलिए भाग गया वो, वरना थोड़ी देर और रुकता है। लेमार को जाने दो भाई चौप, कुछ ड्रॉ करें मजेदार। अब आज आप कल क्या मजेदार ड्रॉ करेगा जरा मुझे भी बता, तू गैस कर क्या ड्रॉ करना चाहिए, तू सोच जरा। अरे यार मुझे नहीं आ रहा कोई आइडिया, क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अबे आइडिया भाई आइडिया मेरे पास। क्या भाई क्या कल क्या आइडिया तेरे पास? क्यों ना हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करें, बड़ा सा प्लेन। पागल वागल हो गया क्या भाई, प्लेन सीधे छत पे कौन ड्रॉ करता है? मैं ड्रॉ करूंगा यार एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला प्लेन। पैसेंजर प्लेन ड्रॉ करने की सोच रहा है या प्राइवेट प्लेन? नहीं गाइस प्राइवेट जेट तो हम लोग एक बार ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं ड्रॉ करता हूँ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला पैसेंजर प्लेन। कैसा आइडिया? आइडिया तो मस्त है लेकिन हमारी छत से टेक ऑफ नहीं हो पाएगा वो। अबे हो जाएगा, ट्राई करके देख लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है भाई साहब कल फिर ड्रॉ कर तू फटाफट पैसेंजर प्लेन। लेट्स गो गाइस ड्रॉ करते हैं पैसेंजर प्लेन, बट कलर क्या रखूं मैं उसका,
कलर सोच ले भाई, थोड़ा व्हाइट कलर रख दे एंड थोड़ा येलो ठीक रहेगा आई थिंक। गाइस चॉप कह रहा है व्हाइट, मैं कह रहा हूँ येलो, दोनों मिक्स करके एक व्हाइट एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन वाला पैसेंजर प्लेन बनाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले तो ये पैसे मिटा देते हैं यहाँ से। भाई साहब यार, कल भैया लेमार लेके गया भाई ये, अब तूने मिटा दिया, उसके पैसे तो नहीं गायब हो जाएंगे? नहीं भाई टेंशन, मतलब उसके पैसे बिल्कुल भी गायब नहीं होने वाले हैं। अब हम लोग प्लेन बनाना शुरू करते हैं, तो इधर किस साइड से कुछ ऐसा होने वाला है प्लेन का, अपना आगे का लुक, ये प्लेन की चोंच है, और फिर उसके बाद यहाँ से प्लेन का ये टॉप बनने वाला है कुछ इस तरीके से। हाँ ये बढ़िया लग रहा है भाई प्लेन तो, अभी बनाई क्या इसमें, अबे अभी बहुत सारी चीजें बनेगी भाई चॉप, जरा तू वेट कर बस। ये बनाते नीचे वाला जरा प्लेन कह रहे भाई, मैं पहले ही बता दू अपने ये प्लेन जो है एक पैसेंजर प्लेन है, और काफी ज्यादा बड़ा वाला पैसेंजर प्लेन है, तो हल्के में मत ले लेना तुम लोग इसे। ओके ये यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें अपने को करनी है। सबसे पहले तो इधर एक विंग बनाते हैं, जो कि विंग होगा कुछ इस तरीके से, यस, और ये वाला जो विंग होगा ये भी कुछ इस तरीके से, और इस वाले विंग के ऊपर अलग अलग टाइप की चीजें। उससे पहले ये बाकी का प्लेन, और भाई कितना बड़ा है ये प्लेन, लिटरली में कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है। ओके और ये विंग ऑलमोस्ट अपने पेंटिंग पैड से बाहर निकलती हुई ये विंग है। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल चीज बनानी है, जो कि मेनली कुछ ऐसे बनने वाली है शायद। ओके ये चीज ऐसे, नाइस, और एक इसके अंदर ऐसे छोटा सा गोला। ये एक्चुअली में प्लेन के भाई एग्जॉस्ट वगैरह है, एग्जॉस्ट नहीं भाई जेट इंजन, या तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं इसे, जो भी है ये चीज वो है। और अभी इसके अंदर भाई कलर भरने की बारी अभी नहीं आई, अभी तो बहुत सारी चीजें बनानी है भाई, खिड़कियां बनानी है, इतना ज्यादा बड़ा प्लेन है ये, लिटरली में तुम लोग यकीन नहीं करोगे भाई, ये दो लेवल का प्लेन है, एक नीचे लेवल एक ऊपर लेवल, भाई बहुत ज्यादा बड़ा वाला प्लेन है ये। ओके भाई कार्गो प्लेन तो इससे भी बड़ा होता है, उसे भी किस दिन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अभी तो ड्रॉ करते हैं अपना नॉर्मली पैसेंजर प्लेन, लेट्स गो भाई, कितना ज्यादा बड़ा है, कितनी खिड़कियां हैं इसके अंदर, तुम लोग देख सकते हो खिड़कियों की कोई गिनती नहीं है भाई, इतनी ज्यादा खिड़कियां हैं। और ये दो लेवल का प्लेन है अपना, तो इधर भी खिड़कियां बनाते हैं। हाँ सब टू स्टोरी प्लेन हो गया है तो बिल्कुल ही। अभी यहाँ पर इस टाइप के लिए पायलट का कॉकपिट, के अलावा ये आगे वाला व्हील जो कि इधर कहीं होगा, और ये पीछे वाला व्हील का एरिया, बाकी वो सब तो मैजिकल पेंडिंग पैड भाई अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा। अब इस प्लेन का नाम लिख देते हैं, एयरलाइंस वगैरह इधर लिख देते हैं रेड कलर में, एक सेकेंड, रेड कलर बढ़िया लगेगा प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गाइस एयरलाइंस। और अभी कलर भरना शुरू करते हैं। भाई कल भैया यार रेड कलर का क्यों कर दिया तूने ये, क्यों प्लेन तेरा येलो, उस पे तू ये रेड फिर व्हाइट कलर कहाँ डालेगा? हाँ ये भी सही बात है, तो एक काम करते हैं गाइस, प्लेन को हम येलो एंड रेड कलर का बना देते हैं, व्हाइट कैंसिल भाई चॉप। ठीक है भाई कैंसिल कर दे मेरा कलर, अबे तो फिर येलो कलर कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं भाई व्हाइट ही कलर कैंसिल कर दूं। ओके गाइस तो व्हाइट यहाँ पर कैंसिल हो चुका है फिलहाल के लिए तो, और अभी हम लोग इधर किस साइड इसको रेड कलर कर देते हैं, बाकी ये विंग भी आई थिंक थोड़ा ग्रे टाइप का रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये फिन जो है इसकी ये भी येलो कलर में ही। और व्हाइट कलर की मैं एक चीज बनाना चाहता हूँ भाई चॉप के लिए स्पेशली, चलो भाई कुछ तो इसने व्हाइट कलर का छोड़ा, और इसको बना देते हम लोग व्हाइट कलर का। भाई ये क्या है भाई कलवे, उसके अंदर भी हम लोग भर देंगे रेड कलर। अब भाई यार तो फिर व्हाइट कलर करने का फायदा क्या हुआ, ये हमारा डिजाइन हो गया गाइस प्लेन के ऊपर। तो चलो यार अब इस प्लेन को लेकर आते हैं फटाफट से रियल लाइफ के अंदर, लेट्स गो 3 2 1। तो ये आ चुका है हमारा प्लेन। भाई क्या है ये, अबे कितने व्हील्स हैं इसके अंदर, ओ भाई साहब व्हील्स देख रहे हो तुम लोग, 1 2 3 4 और 4 शायद से इधर है, 4 4 8 8 16 भाई 16 व्हील्स तो पीछे हैं, 16 व्हील्स पीछे हैं और 2 व्हील्स आगे हैं। भाई टोटल इस प्लेन के अंदर 18 व्हील्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ये इसके प्रोपेलर और ये इसके विंग्स, ऊपर चलते हैं ज़रा। प्लेन के ऊपर कैसे जाऊँ यार मैं, ऊपर जाने की जगह नहीं है, यहाँ से जा सकता हूँ क्या? यस प्लेन के विंग्स के ऊपर आ चुका हूँ मैं, जो कि ग्रे कलर के विंग्स हो। भाई ये प्लेन कितना ज़्यादा बड़ा, और इसका कलर बिल्कुल मेरी टी शर्ट से मैच कर रहा है, बिल्कुल एकदम लाइट येल्लो भी नहीं है, डार्क येल्लो भी नहीं है, ब्राइट येल्लो भी नहीं है, बिल्कुल अलग ही येल्लो है, और वैसा ही कलर बिल्कुल मेरी शर्ट का भी है। चल भाई चौप इसके अंदर बैठते हैं। ओबे यार इसका आगे वाला पहिया तुम लोग देख रहे हो भाई, छत के किस कोने पे टिका हुआ है,
थोड़ा सा आगे हो जाता नीचे गिर जाता ये। बाकी प्लेन के अंदर एंटर करते हैं गाइस फटाफट और देखते हैं किस तरीके से हम लोग प्लेन उड़ा पाते हैं या फिर नहीं। बाकी प्लेन के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। चौप भाई आ जा, तू भी आ गया भाई, चल वे आ गया मैं, चल तू भाई साहब। अपने घर की छत पर हूँ मैं और एक पैसेंजर प्लेन उड़ाने वाला हूँ। चौप शायद पीछे बैठ गया। यह है पायलट का कॉकपिट, इतने सारे मीटर्स और इतने सारे बटन, इतने सारे लीवर्स। कोई बात नहीं, हम लोग प्लेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं। भाई डर लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। ओके, पैसेंजर प्लेन हमारे छत से टेक ऑफ कर पाता है कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। और सामने वाले नारियल के पेड़ से टकरा चुका है। टेक ऑफ करने की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कोशिश, बट इसका विंग जो है वो अटक चुका है नारियल के पेड़ में। थोड़ा सामने वाली छत पर ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ से टेक ऑफ से दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर पायलट फ्रैंकलिन अपने प्लेन को लेकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या हो गया भाई, कहाँ इसका विंग अटक गया? अरे पीछे किसी के घर में इसका विंग अटक गया। ये उड़ भी पाएगा या फिर नहीं? यहाँ पर पेड़ में अब विंग अटक गया यार। भाई मुझे नहीं लगता ये पैसेंजर प्लेन हमारा किसी भी कीमत पे उड़ पाएगा यहाँ पर। अरे क्या करूँ मैं, एयरपोर्ट पे टेलीपोर्ट मारूँ क्या? हाँ मुझे लग रहा है गाइस एयरपोर्ट पे टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। रुको 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 रुको, वापस आ चुके हम लोग मैजिकल पेंडिंग पैड पर और यहाँ पर लिखता हूँ मैं TP और इधर लिख देता हूँ एयरपोर्ट। देखते हैं कौन से एयरपोर्ट पे टेलीपोर्ट करता है। लॉस सैंटोस के अंदर तो फिलहाल के लिए दो एयरपोर्ट है, एक तो मेन सिटी वाला और एक डेजर्ट की साइड। देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग, लेट्स गो। ओके तो एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट ही है भाई। चलो भाई हमारी मस्त एकदम एयरलाइन। अरे ये एयरलाइन के आगे कैसे आ गए भाई, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था। पता नहीं भाई, मैजिकल प्रिंटिंग पैड ने अपने आप ही एयरलाइन के आगे कुछ लगा दी और हमारा प्लेन पिचक गया भाई आगे से। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई भाई, प्लेन देख रहे हो तुम लोग, इसके ऊपर रिंकल्स पड़ गए हैं, थोड़े पेड़ वेड़ वगैरह वगैरह टकराने की वजह से। कोई बात नहीं, अभी तक तो ठीक हालत में ये। प्लीज़ एक बार उड़ जाए ये प्लेन, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ओ नाइस, उड़ रहा है, कम ऑन। ओ उड़ गया। इसका विंग थोड़ा डैमेज हो गया, राइट विंग देख सकते हो तुम लोग वहाँ पर ब्लैक मार्क और लेफ्ट वाले विंग पर भी ब्लैक मार्क्स आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो प्लेन है गाइस फाइनली टेक ऑफ कर चुका है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से। और क्या खूबसूरत उड़ रहा भाई, चौप देख रहा है, नज़ारे ले रहा है। तो ये देखो भाई इसके अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं, देख रहे हो तुम लोग दरवाजे कितने अलग अलग जगह से। बहुत बड़ा प्लेन है ये। और वेट, पानी के अंदर जाने वाला है। बच गया। थोड़ा और ऊपर। ओ बच गया भाई, बच गया वापस से। अभी मुझे लगा ये पानी के अंदर जाएगा बट बचा लिया गाइस हम लोगों ने। ओ कितना एपिक लग रहा है यार, पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर से यहाँ पर भाई अपना प्लेन उड़ रहा है काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से। भाई तुम लोग अगर आज का अपना प्लेन बढ़िया लगा हो गाइस तो वीडियो को जाकर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। यस गाइस अभी के अभी जो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस करके जॉब से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और तुम लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर ओ भाई बिल्डिंग के ऊपर से इजीली निकल के आ चुका हूँ मैं। अरे भाई नीचे जा रहा है ये, वेट वेट, बच गया। एक काम करता हूँ, इसको कहीं क्रैश करता हूँ एकदम खतरनाक तरीके से और फिर एंड टाइम पे जंप कर दूंगा। रुको भाई तुम लोग रुको, तो क्रैश करते हैं यहीं किसी होटल पे। क्या जंप कर दिया भाई मैंने, चल रहे मैं रह गया अंदर ही भाई। ओ चौप गया लगता है प्लेन के संग। चौप कहाँ है तू?